जय श्री राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द वर्निंग ब्लॉग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि मस्त होंगे गाइस। तो मैं हूँ अपने दुकान पे। तो कैसे आप सभी को पता होगा गाइस, मैं अपने दुकान से ही ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि गाइस मैं दुकान जो खोलना पड़ता है मुझे सुबह, बहुत ही सुबह सुबह आके, तो सुबह ही से मतलब यहीं रहना पड़ता है और यहीं से ब्लॉग स्टार्ट करना पड़ता है। तो आप लोग गाइस कैसे हो, कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दे। और मेरा वीडियो जो नहीं देखा है जाके वीडियो को देखे, और मेरे चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए इसी बात को अभी ख़त्म करके नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ जो है पहुँच चुके हैं अजमेर भैया का दुकान। तो अभी हम लोग कहीं जाना है, पता नहीं अभी कौन सी जगह जाना है, मुझे तो पता नहीं है। और मुनू भैया फ़ोन किया था, शायद नहाने के लिए कोई जगह बुलाया है। तो अभी कपड़ा वपड़ा भी उनका लेके जाना है शायद। कब फ़ोन किया था आपको? ओके, आधा घंटा हो गया क्या? आधा घंटा लगभग। वो जगह जगह पता चला है कहाँ जाना है? फोन करेगा बॉस, फिर उसके बाद बताइए कहाँ जाना है। सबसे पहले उसके लिए कपड़ा देख रहा है कौन सा लेगा। वही 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 कपड़े ढूंढ रहे हैं। और गाइस मुझे भी पता नहीं है कि कौन सा जगह जाना है, बस इतना बोला कि तुम अजमेर भैया के पास जाओ, उसके बाद वहाँ से निकल के आ जाओ, नहाने के लिए निकलना है और थोड़ा घूमना है बोल के। तो उनके लिए कपड़ा लेके जा रहे हैं। और पतला आदमी है ना सर, तो ये नहीं हो सकते, थोड़ा लंबा होगा। ये ले जाएगा, लेकिन एक और एक प्रॉब्लम है ना उसमें, लेकिन उनका बॉडी चिपकने लग जाएगा तो बोलेगा नहीं ऐसा हो गया वैसा हो गया, बोलेगा है कि नहीं? अभी तो देखो भाई, सबसे पहला बात ये है बंदा सामने है नहीं। हाँ, उसका सिर्फ साइज पता हमको कि एल साइज लगता है। हाँ, कलर भी मालूम नहीं चलेगा उसका, तो कौन सा कलर उसका पर, हाँ, वो नहीं पता, वो भी है लेकर आओ बोला अपना पसंद से, तो मेरा पसंद तो इसी मिल रहा है। अच्छा ये है। तो गाइस यहाँ जो है इतना ज़्यादा कपड़ा है, इसमें से एक ही पसंद आया अजमेर भैया को, ये वाला देने के लिए, मतलब लेके जाएंगे वहाँ हम बोला देने के लिए देना ही है, देना ही है ना। अच्छा चलो, या जो इसमें से ये पसंद आया। हाँ ये मुझे भी यही पसंद आया, देखिए उसको पसंद आएगा कि नहीं आएगा उसको बात की बात है। वो तो चलिए देखते हैं वहाँ जाके मालूम चलेगा उनको पसंद आया कि नहीं आया। ये एक ही लेके जाएगा ना अभी तो? हाँ, के पहनने के लिए। ऐसा ना, तो चलिए गाइस थोड़ी देर पर मिलते हैं हम लोग। गाइस यहाँ जो है मोनू भैया का कपड़ा जो ले लिए, यहाँ आके मालूम चला अजमेर भैया नहीं जा रहा है बोल के, बहुत दुख का बात है, मुझे ही बहुत ही मतलब ख़राब लग रहा है। वक्त वक्त की बात है ज़िंदगी में, क्या कर सकते हैं ना। जाओ अभी उन लोग पहुँचने वाला है, लेट हो गया तो मज़ा नहीं आएगा। वो भी है, साथ में एंट्री करेगा तो मज़ा आएगा ना, एंजॉय करो। चलिए गाइस चलते हैं, कैसा होता है सीन मुझे भी पता नहीं, कुछ अच्छा ही होगा शायद। चलिए चलते हैं, ले लेते हैं कपड़ा, चलिए निकलते हैं ना। गाइस निकल चुके हैं हम अभी रिजोर्ट की ओर, पता नहीं मुझे कौन सा रिजोर्ट जा रहा है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक। तो देखते हैं वहाँ मुनू भैया से मिलेंगे, होमे भैया से मिलेंगे। तो चलिए तो गाइस अभी जो है मैं एंट्री कर चुका हूँ सेम्पोंग रिजोर्ट जाने रास्ता में। तो अभी जो चलिए चलते हैं, और यहाँ जो काफ़ी भीड़ लग रही है, देखिए ट्रैफिक ऐसा लग रहा है कि लगभग आज सैटरडे संडे को हम लोग का बहुत ही ज़्यादा देर भीड़ होता है। तो अभी पता नहीं कैसा होता होगा रिजोर्ट का सीन, चलिए दिखाते हैं जाके। तो गाइस ये जो जगह है सेम्पोंग आइलैंड, जो कि इधर भी देखने को मिलेगा, इधर है टुंगटाओ रिजोर्ट, जो कि अभी हम लोग इधर जाएंगे। चलिए गाइस मैंने एंट्री कर चुका है सेम्पोंग जाने वाला आइलैंड में, एंड यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है, जो कि टुंगटाओ रिजोर्ट से थोड़ा सा दूर है। तो हम लोग टुंगटाओ तो है यहाँ से आपका लेफ्ट हैंड साइड में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था उधर पहले। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है नज़ारा, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ वो जगह पर, एंड कैसा होता है आप लोग भी बने रहे, और मेरे लिए भी मज़ा होगा आपके लिए भी मज़ा आएगा। चलिए गाइस पहुँच चुके हैं सेम्पोंग आइलैंड रिजोर्ट, जो कि यहाँ से हम लोग जाएंगे अभी। तो चलिए निकलते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं, बाइक बंद हो गया। तो गाइस मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, और यहाँ जो है मुनू भैया आए नहीं अभी तक, तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ उनके लिए। मैं 10-15 मिनट पहले ही पहुँच चुका हूँ यहाँ, मैं तो मैं बाइक पार्किंग कर चुका है, और उसके बाद उनके वेट कर रहा हूँ, आते हैं तो उससे मिलते हैं, उसके बाद आएँगे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं शाम के रिजोर्ट, एंड मेरा ये फर्स्ट टाइम है ये रिजोर्ट में। तो यहाँ मैं मोनू भैया एंड के जो दोस्त लोग हैं सभी लोग आ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कैसा होता नज़ारा, ये मेरा फर्स्ट टाइम है और इस तरह कुछ देखने को मिल रहा है गाइस। आगे जाके दिखाते हैं आप सभी को, वहाँ कपड़ा चेंजिंग हो रहा है, इधर देखिए। तो गाइस यहाँ जो है मोनू भैया बहुत वेलकम,
थैंक यू। कैसे हो आप? आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद अच्छा हूँ। कहाँ गए थे आप लोग? हम लोग यहाँ में इंजॉय करने आए हैं। इससे पहले फसामुंग गए थे सूर्य? हाँ। ये लुक में बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, ये लुक में बहुत अच्छा लग रहा है आपको? बहुत ही मज़ा। तो चलिए अभी जो है गाइस, यहाँ का जो नज़ारा है क्या है देखने को मिलेगा आप सभी को, दिखाते हैं। फिलहाल जो यहाँ जो कपड़ा पर चेंजिंग कर रहे हैं तो उसके बाद नहाएंगे, आप सभी को भी दिखाते हैं। और ये जो व्यू देखने को मिल रहा है काफ़ी सुंदर देखने को मिल रहा है, ये देखिए। तो गाइस यहाँ जो है अभी हम लोग जा रहे हैं। बाय बाय। अच्छा सर, कैसा लगा यहाँ आके? सो मच। जगह तो इतना फर्स्ट क्लास नहीं है जितना एक्सपेक्ट किया था, लेकिन हाँ डिजास्टर हुआ है ना, नेचर डिजास्टर। हाँ, वो भी बता नहीं सकते ना अभी तो किसके गलती के लिए, उसके लिए ही। अदरवाइज तो ठीक ही था ऑलमोस्ट, लेकिन इन्जॉय किया। ओके चलिए, चलो फिर आप कब आएगा? हम आने से कॉल करेगा आपको। ओके ओके ठीक है। तो चलिए गाइस, इधर जो है भैया, इधर जो है हमें भैया, जो कि इनका वीडियो देखते हैं, मैं प्रोनाउंस ही नहीं कर पाता इनका नाम जो। कैसे हो? अच्छा, बढ़िया बढ़िया। कैसा लगा यहाँ के? अच्छा लगा, मैं तो तैरना नहीं जानता हूँ। अच्छा, दूर से ही मतलब। लेकिन यहाँ जो खराब हो जाने के फ्लड आने के कारण इसे खराब हो गया, थोड़ा खराब हो गया इसलिए। लेकिन ये बहुत बढ़िया था, लेकिन ये वाला ना सबके वाला पहले तो नहीं है, फर्स्ट टाइम है, रिजॉर्ट में इतना नहीं जाता। ऐसा ना, ये शायद दूसरा होगा रिजॉर्ट। बाकी ऐसे ऐसे आते रहिए। ठीक ठीक ओके। चलिए गाइस चलते हैं घर, अभी जो है भैया लोग जा रहे हैं घर। अभी ये जो मुनु बैग कपड़ा जो कि इसको सुखाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, निकलते हैं मुनु भैया। ओके ठीक है अंकल। तो गाइस अभी जो है हम जा रहे हैं घर शाम के से, एंड हम लोग नहा लिया बट लेकिन हम लोग जितना एक्सपेक्ट किया था वैसा बिल्कुल ही नहीं है ऐसा। तो चलिए चलते हैं, अगर टाइम मिले तो टूम टॉप रिजॉर्ट भी चल जाएंगे हम लोग। तो चलिए बने रहे वीडियो में अंत तक। चलिए गाइस, तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने दुकान पे, एंड दुकान पे आने के बाद गाइस बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रहा था, तो मैं यहाँ अपने फ़ैन को ऑन कर लिया और ये फ़ैन के सामने बैठ चुके हैं और इससे हवा खा रहा, बहुत ही आनंद मिल रहा है इससे हवा का। और ये जो अगर लाइट नहीं होता ना तो हम लोग पूरा पार्टी चार्ज जाता है पूरा, बहुत ही ज़्यादा एकदम क्या ही बोले अनलिमिटेड पूरा। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं, आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ जो है मुनु ब्रो एंड हेमन ब्रो जो है वो अपने घर चले गए, तो आप लोग यहीं तक ये वीडियो रखेंगे। और आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट शेयर कर दीजिए, और मिलेंगे एक नई ब्लॉग के साथ। अभी के लिए बाय एंड टेक केयर। और यहाँ जो है मेरा रोशन दोस्त, क्या कर रहे दोस्त, ठीक है ना? हाँ, आज तो पूरा गुनाहा है ना तुम लोग ज़्यादा। एक्चुअली गाइस ये लोग टुमटा रिजॉर्ट चला गया था और मैं चला गया था शाम के रिजॉर्ट चला गया, गलती से सडनली हम लोग का प्लान चेंज हो गया। सैमपुंग रिजॉर्ट जाने वाला था हम लोग, लेकिन वहाँ से चेंज होने के बाद हम लोग सैमपुंग चला गया शाम के रिजॉर्ट, इसके कारण हम लोग को। और वहाँ का व्यू का बात करें तो गाइस बहुत ही ज़्यादा खराब था, ऐसा खराब है बोल के भी नहीं बोल सकते एक तरह से, क्योंकि गाइस वहाँ जो फ्लड भी आ चुका था तो फ्लड के कारण ये सब दहेशनेस हो गया, तो इसको बनाने में रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो लोग बनाएंगे, लाए धीरे बनाएंगे, लेकिन आदमी तो था गाइस। तो चलिए मिलते हैं एक नई ब्लॉग साहब।